सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है ऐतिहासिक कहानी अकबरी लोटा के भाग तीन में। आइए इस ऐतिहासिक कहानी के शेष भाग को हम पढ़ते हैं और कहानी के आगे की घटनाक्रम को हम जानते हैं। जब पंडित बिलवासी मिश्री के व्यवहार से लाला झाऊलाल अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और उसका जी चाहता है कि उसे हम अभी अपनी आंखों से निगल जाए, परंतु बेचारा वहां चुपचाप स्तंभ बने खड़ा था, इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। आइए इसे आगे जानते हैं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब बिलवासी मिश्र उस अंग्रेज को यह सलाह देता है कि इस खतरनाक क्रिमिनल के बारे में पुलिस के यहाँ रिपोर्ट कर दीजिए, पुलिस आएगा और इसे फौरन पकड़कर ले जाएगा और इसे हिरासत में डाल देगा। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए। अब हिदायत के साथ साथ बिलवासी मिश्र इस अंग्रेज को पुलिस के यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने में इसे मदद भी करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है कि चलिए साहब, मैं पुलिस स्टेशन देखा हूँ, मैं आपको पुलिस स्टेशन तक ले चलता हूँ, पास ही है। दोनों चलने की मुद्रा में, चलिए चलते हैं। अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को उस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूं। अब बिलवासी मिश्र यहां अपना बुद्धि का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे जो 200 रुपये जो पुराना है, तभी वह अंग्रेज के आगे ही कहता है कि कुछ वक्त रुकिए, मैं इस लोटे को खरीद लूं। और उस लोटे को वह 50 रुपये लगाता है। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे की आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? अब बड़े ही नर्म स्वभाव से, नर्म आवाज में अंग्रेज ने पूछा बिलवासी मिश्र से कि आप इस रद्दी लोटा को खरीदना चाहते हैं और इस रद्दी लोटा का दाम आप 50 रुपया दे रहे हैं? आप इस लोटे की रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब अंग्रेज की नजर में बिलवासी मिश्र एक विद्वान, सुसभ्य, बुद्धिमान और होशियार व्यक्ति समझने लगा था। अब उस लोटे को खरीदने की बात सुनकर वह झोंप गया कि आखिर इस रद्दी लोटे में है क्या जो आप इस रद्दी लोटे को 50 रुपया देना चाहते हैं? आखिर बात क्या है, बताइए भी। अब अंग्रेज के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गया। वह बड़े ही कौतूहलता के साथ बिलवासी मिश्र से यह पूछने लगा कि आखिर इस लोटा में क्या बात है, क्या खासियत है जो आप इस रद्दी लोटे को 50 रुपया देना चाहते हैं? जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है, यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। अब बिलवासी मिश्र बढ़ा चढ़ा कर उस लोटा के बारे में बोलता है कि यह कोई आम लोटा नहीं है साहब, यह तो वही लोटा है जिसे खोजने के लिए पूरे दुनिया भर के म्यूजियम परेशान है। यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, इसके खोज में संसार के सभी म्यूजियम पड़ा हुआ है। अब
अंग्रेज काफी आश्चर्यचकित रह गया। यह बात है जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण को पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 आने का लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से उसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का एक मॉडल रखा है। पता नहीं यह लोटा उस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। अब इस लोटा के बनावटी ऐतिहासिक कहानी उस अंग्रेज को बिलवासी मिश्र अपनी चतुराई से सुनाता है कि साहब, यह ऐसा वैसा लोटा नहीं है, यह अकबरी लोटा है। जब अकबर के पिता हुमायूं शेरशाह सूरी से हार कर वह रेगिस्तान में मारा मारा भटक रहा था और वह प्यास से छटपटा रहा था, उस समय उस रेगिस्तान में एक ब्राह्मण जाकर इसी लोटे से हुमायूं को प्यास को बुझाया था। उस प्यासे को पानी से तृप्त किया था और उसका जान बचाया था। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण को ढूंढकर वह लोटा 10 आने देकर अपने पास रख लिया, क्योंकि इस लोटे से अकबर अधिक प्यार करता था। इसीलिए इस लोटे का नाम अकबरी लोटा पड़ा। और अकबर हमेशा इस लोटे से बैजू करता था। बैजू का अर्थ है नवाज पढ़ने से पहले हाथ मुख धोने के लिए जिस पात्र को बर्तन को इस्तेमाल किया जाता है उसे बैजू कहा जाता है। तो अकबर जब भी बैजू करता वह इसी लोटा का प्रयोग करता था। और 57 तक यह लोटा अकबर के पास शाही घराने में था, पर उसके बाद क्या हुआ आज तक यह लापता था, किसी को भी इसके विषय में पता नहीं था। परंतु कलकत्ता के म्यूजियम में इसी प्रकार का एक प्लास्टर रखा हुआ है, मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा उस आदमी के पास कैसे आया होगा और कैसे इस प्रकार के मॉडल बनाकर वह म्यूजियम में रखा होगा, यह तो पता नहीं है। पर यदि आज म्यूजियम वालों को पता चले तो वह अच्छी खासी दाम देकर इस लोटा को अपने पास ले जाएगा। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा भाव पड़ा कि वह कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को क्या करिएगा? अब यह ऐतिहासिक किस्सा सुनकर उस अंग्रेज की आंख में लोभ की भाव झलकने लगा और वह आश्चर्य से भी पूछा कि आप इस लोटे को लेकर क्या कीजिएगा। इतना ही नहीं, कौड़ी के आकार से बढ़कर उसकी आंखें अब पकौड़ी के आकार का हो गया था, अर्थात
वह इतने आश्चर्यचकित होकर आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगा था। उसकी मन में, उसकी आंखों में इस लोटा के प्रति लोभ जागृत हो गया था या स्पष्ट झलक रहा था। मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को संग्रह करने का शौक है। अब बीरवासी मिश्र ने झूठ मूठ के अपनी इच्छा को जाहिर करता है कि मुझे ऐतिहासिक चीजों को संग्रह करने का बहुत ही शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों की संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पित्तल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। अब बिलवासी मिश्र के शौक को जानकर अंग्रेज यही कहता है कि मेरा तो पेशा ही यही है, मेरा तो शौक ही यही है, शौक के साथ साथ मेरा पेशा भी है। जब यह लोटा मेरे पैर से टकराया, मेरे पैर पे गिरा, तो मैं यही काम कर ही रहा था, बस उस दुकान की कुछ पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, अब कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि इस लोटे की पानी से आपने स्नान किया या नहीं? आपने? वह आपके पैर पर गिरा या मेरे? आपके? अंगूठा उसने आपका भुर्ता किया या मेरा? आपका। इसीलिए इसे खरीदने का मेरा हक है। अब बिलवासी मिश्र उस अंग्रेज को इस तरह फंसाया कि वह खुद इस लोटा के अच्छे खासे दाम पर खरीदने के लिए वह प्रभावित हो गया और अपनी सारी विवरण बिलवासी मिश्र को बताने लगा। यह लोटा मेरे ऊपर गिरा, इस लोटे की पानी से मैंने स्नान किया, यह लोटा मेरे पैरों के अंगूठा को भुरता किया, तो बताइए कि इस लोटे पे मेरा अधिकार है या आपका? तो बार बार ऐसे प्रश्न करने पर बिलवासी मिश्र कहता है, नहीं, आपका, इस पे सिर्फ आप ही का अधिकार है, किसी भी दूसरे व्यक्ति का अधिकार इस पर हो ही नहीं सकता है, इसीलिए उसे खरीदने का हक भी मेरा है। अब अंग्रेज कहता है, तब तो पूरी तरह इस लोटे पर मेरा अधिकार होना चाहिए, इसे मैं ही खरीदूंगा। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। अब बिलवासी मिश्र फिर मुद्दे पे आता है, मुद्दे की बात करता है कि ठीक है, यह सब बकवास की बातें छोड़िए और इस लोटे की कीमत लगाइए, जो इस लोटे की कीमत अधिक लगाएगा लोटा उसी का होगा। यही सही है, आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ। अब दोनों इस लोटे की नीलामी करने लगा। पहले तो बिलवासी मिश्र इसका 50 रुपया ही लगाया था। अब अंग्रेज के मन में जिज्ञासा पैदा कर अब वह इस लोटे को 150 रुपया लगा रहा है, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया, उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। अब बिलवासी मिश्र बिल्कुल ताव में आ गया था, जोश में आ गया था। जब अंग्रेज ने इस लोटे का दाम 200 रुपया लगाया तो वो बड़े ही गर्म जोशी से इस लोटे का दाम 250 रुपया लगाया और बोलते ही 250 रुपये लाला झाऊलाल के सामने फेंक दिया। यह देखकर अंग्रेज से भी रहा नहीं गया और वह भी 250 के बदले उसने इस लोटे का दाम 500 रुपये लगा दिया। अब चलिए, अब वह बोला कि अब आगे बढ़िए, लोटा किसका होता है? बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। अब बिलवासी मिश्र अपनी बनावटी
अभिनय करते हुए वह भारी मन से अपना 250 रुपया लाला झाऊलाल के पास उठा लेता है। वह यहाँ पर ऐसा अभिनय करता है कि मानो कोई भारी मन से, दुखी मन से व्यथित होकर लाश उठा रहा हो। यहाँ बिलवासी मिश्री का अभिनय सच में बहुत ही तारीफ के लायक है और वह इस प्रकार उस ऐतिहासिक लोटा का मूल्य बताकर अंग्रेज को अपने झांसे में फंसा लेता है और अपना पैसा उठा लेता है और अपना मुंह बनाकर कहता है कि ठीक है, यह लोटा आपका हुआ, मेरे पास तो 250 से अधिक पैसे नहीं है। यह सुनता था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुछ ही गिर गई। उसने छटपटा कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। बच्चों, अब अंग्रेज इस अकबरी लोटा को लेकर अपने देश जाने के लिए योजना बनाता है। अब वह कैसे अपने देश और क्यों, किस योजना के साथ इस अकबरी लोटा को ले जाता है, यह हम अगले भाग में जानेंगे। मैं आशा करती हूं कि यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।